हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू वर्कशीट 44। डियर स्टूडेंट, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। तो इस वर्कशीट में हम समरी पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में ये चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य। ये आपने शायद हिंदी में भी स्टोरी या टीवी में भी आपने देखी होगी, जिसमें मूर्खों का राज्य आपने ये पढ़ रखी होगी। ओके, किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ फोक टेल। ये कन्नड़ फोक टेल है, कन्नड़ लोगों की फोक टेल है। ओके, द किंगडम इन दिस स्टोरी वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इस कहानी में जो राजा है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने प्रशासन में, राज्य के प्रशासन में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहता है, नोवेल्टी। ओके, ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे। इसलिए नया करने के लिए उसने क्या किया कि सभी लोग दिन में सोएंगे एंड वर्क बाय नाइट, और रात में काम करेंगे। देखो कितना अजीबो गरीब था, क्योंकि वो मूर्ख राज्य था, क्योंकि इसके टाइटल में देखो किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य। ओके, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। इसके अलावा कुछ उसने नयापन करने के लिए क्या किया, अपने बाजार में भी चेंज किया, सारी चीज़ें बड़ी ही सस्ती कर दी, सारी चीज़ों का रेट क्या कर दिया, द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 डड्डू। हर चीज़ का रेट 1 डड्डू कर दिया, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, खाने का आइटम, सब 1 डड्डू में मिलता था वहाँ पर। ए वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल एंजॉयड देयर स्ट्रे इन दैट किंगडम फॉर ए शॉर्ट व्हाइल। अब उसमें एक बुद्धिमान गुरु और उसका जो है एक शिष्य आता है, वो बड़ा इंजॉय करते हैं उस राज्य में जब वो रुके कुछ समय के लिए। बट द गुरु सून रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच ए प्लेस वॉज नॉट सेफ। गुरु को ये पता लग गया था कि ऐसे स्थान पर रहना सेफ नहीं था, और श्योर बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम। जहाँ का मिनिस्टर और राजा जो है ऐसे डिसीजन लेते हैं मूर्खों वाले, तो ऐसे राज्य को चलाना जिसमें मूर्ख राजा हो, तो उसमें रहना जो है ठीक नहीं है, ये उस गुरु ने सोचा, इसलिए उसको वहाँ रहना ठीक नहीं लगा। बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज ए वेरी कम्फर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। उसके शिष्य ने सोचा, यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, सारी चीज़ें सस्ती हैं, आराम से मैं रहूँगा यहाँ पर। ही स्टेड, वो वहीं रहा एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर ए डड्डू, और सारी चीज़ों का बड़ा इंजॉय किया, क्योंकि सारी चीज़ों का रेट क्या था, 1 डड्डू। एंड गोट फैट, खा खा कर वो मोटा हो गया। ऑन वन ओकेजन ए थीप ब्रोक ए वॉल टू लूट ए मर्चेंट। एक बार क्या होता है, एक चोर जो है वो एक मर्चेंट को लूटता है। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीप डाइड। तभी दीवार गिर जाती है और चोर जो है मर जाता है। थीप्स ब्रदर कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर। अब थीप ने जो है, थीप के भाई ने, थीप्स ब्रदर, उसने कंप्लेन कर दी कि उसका भाई दीवार गिरने के कारण मर गया। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी। अब मिनिस्टर और जो है राजा, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भी कौन अपराधी है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू दैट। उन्होंने निश्चय लिया कि किसी को मृत्यु दंड तो दिया जाएगा। बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज। लेकिन इस फांसी के फंदे का साइज बड़ा ही लार्ज है। सो टू सी दैट द वाइज गुरु रिटर्न्ड एंड सेव्ड हिज डिसिपल। सो टू सी, ये देखकर दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन, कि किसी को तो पनिशमेंट दी जानी चाहिए। द डिसिपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक। उसी शिष्य को पकड़ा गया और उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए, डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे पकड़ लिया गया, उस शिष्य को, डिसिपल को। लकली द वाइज गुरु रिटर्न, किस्मत से वो बुद्धिमान गुरु आया एंड सेव हिज डिसिपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान। उसने एक चालाकी भरा प्लान बनाया और अपने शिष्य को बचाया। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल। वो राजा और उसके मिनिस्टर ने खुद वो फांसी के फंदे पर चढ़ गया और गुरु और शिष्य को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। द पीपल क्राउन्ड द गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। ऐसे में वहाँ के लोगों ने, जब राजा मर गया, मिनिस्टर बन गया, तो उस गुरु और चेले को ही अपना राजा और मिनिस्टर बना लिया। ओके, यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम योर बुक द मोमेंट्स। आपके जो मोमेंट्स बुक है उसमें चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है आपके, और ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो बिफोर यू डू द क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे लिंक भी दे रखा है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो NCERT का, उसमें आपकी सारी बुक जो है प्रिंट फॉर्म में है,
ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस. व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट? जो इडियट किंग था, मूर्ख राजा था, उसने अपने स्टेट में क्या नई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस की? एक तो क्या किया था उसने कि लोग जो है दिन में सोएंगे और रात को जो है काम करेंगे. द इडियट किंग ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट. दिन में सोएंगे लोग और रात में काम करेंगे. इसके अलावा किंग ने और क्या किया था? एवरीथिंग कॉस्ट वाज 1 डड्डू. हर एक चीज़ की कॉस्ट क्या थी? 1 डड्डू. आप ये भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे व्हाइल द गुरु डिसाइडेड इट वाज नॉट सेफ? डिसिपल ने वहाँ रहने का निश्चय क्यों किया जबकि गुरु ने क्या कहा था कि ये स्थान जो है रहने के लिए सेफ नहीं है? तो क्यों किया था इसने? द गुरु डिड नॉट थिंक इट वाइज टू स्टे इन ए किंगडम ऑफ फूल्स. गुरु ने सोचा कि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ रुकना जो है बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा. बट द डिसिपल स्टेड ऑन. डिसिप्लिन वहाँ पर रुका क्यों? बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर. क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर सस्ती थी, इसलिए डिसिप्ल वहाँ पर रुका. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द डिसिप्ल रियलाइज हिज मिस्टेक? डिसिप्ल को अपने गलती का एहसास कैसे हुआ जब बिना गलती के उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जाया गया? ओके, डिसिप्ल रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन ही वॉज अरेस्टेड विदाउट हिज फॉल्ट. बिना किसी कारण से, गलती से ही उसको जब अरेस्ट कर लिया गया तब उसको महसूस हुआ कि उसका डिसीजन गलत था. ओके, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल? अपने शिष्य को बचाने के लिए गुरु ने कौन सी ट्रिक, कौन सा प्लान बनाया था? द गुरु सक्सीडेड इन गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग बाय बिफूलिंग हिम. उसको मूर्ख बना दिया. ही कन्विंस्ड द किंग. उसने राजा को कन्विंस किया. किसने? गुरु ने. दैट द पर्सन टू डाई फर्स्ट एट द स्टेक. कि जो फांसी के फंदे पर सबसे पहले लटकेगा या मरेगा, गॉड ऑफ जस्टिस वुड बी रिबॉर्न एज किंग. तो अगले जन्म में किसका जन्म लेगा? किंग का जन्म लेगा. तो इसलिए ये क्लेवर ट्रिक काम आई और राजा जो है खुद जो है फांसी के फंदे पर लटक गया. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई चूजिंग द करेक्ट आंसर. ये आपके ऑब्जेक्टिव MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. हु वॉज हैंग्ड बाई द एग्जीक्यूशनर एट नाइट? रात में जल्लाद ने, एग्जीक्यूशनर ने किसको फांसी के फंदे पर लटकाया, किसको लटकाया था? बताइए जरा, द किंग एंड द मिनिस्टर. क्योंकि वो गुरु की बातों में आ गए थे कि जो फांसी के फंदे पर पहले लटकेगा वो राजा बनेगा अगले जन्म में, और जो सेकंड नंबर पे लटकेगा वो मिनिस्टर बनेगा. तो किसको फांसी के फंदे पे लटकाया गया? किंग एंड द मिनिस्टर. ओके, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिस्ड? कितने पीपल पनिस्ड, कितने लोगों को जो है समझा गया कि इन्होंने ये गलती की है? 4. ओके, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 4 लोग. सबसे पहले तो जिसने उसको बनाया, दीवार को बनाया, वो वाला क्रिमिनल है. फिर दीवार वाले ने कहा जी एक डांसर है, पायल के पजाव की आवाज़ आ रही थी उसकी झनझन की, वो एंकलेट की, इसलिए उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था. तो डांसर को बुलाया गया, फिर डांसर को टेलर को बुलाया गया. तो ऐसे ऐसे 4 पीपल्स जो है इसमें कंसिडर किए गए कि वो अपराधी हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 4th वन. व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल? किंग ने क्यों डिसाइड किया कि डिसिपल को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए? क्योंकि वो खा खा के मोटा हो गया था, फांसी का फंदा बड़ा बन गया था. तो बिकॉज यस, कौन सा? बिकॉज ही वॉज फैट. क्योंकि वो मोटा था, मोटे आदमी की जरूरत थी, फांसी का फंदा बड़ा बन गया था. तो इसलिए राजा ने क्या किया कि वो डिसिपल को फांसी के फंदे पर लटकाने का निश्चय किया बिकॉज ही वॉज फैट. ओके, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम? नया राजा और मिनिस्टर किसको बनाया गया किंगडम को? जब राजा और मिनिस्टर मर गए थे तो किसको? गुरु एंड द डिसिपल. ओके, उसी गुरु को, वाइज गुरु को, डिसिपल को फिर मिनिस्टर और किंग बना दिया गया. गुरु को किंग बनाया और
डिसिपल को मिनिस्टर बना दिया गया। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको डिटेल में पढ़नी है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, आपको मज़े आएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।